पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई। त्योहारों के मौसम में राजनीति भी हावी हो जाती है। अब दिल्ली में छठ को लेकर एक तरफ चिट्ठियों को भेजा जा रहा है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाने और दिशा निर्देशों के इंतजार में चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसमें सबसे आगे है दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी और कल बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया, उसकी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपकी तबियत अब बेहतर होगी, कल चोट लग गई थी। जी निधि जी, मैं बिल्कुल अभी बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। कल मेरे कान में और थोड़ी गर्दन में चोट थी, एक छोटा सा बैंडेज अभी भी है, वो खासतौर से बहुत साउंड ना जाए इसलिए है, लेकिन मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अयोध्या जी जा रहा हूँ जहाँ रामलीला में आज भाग लेना है, वो देखते हैं कि मैं भाग ले पाऊंगा कि नहीं, कैसे मेरा ड्रेस बनेगा, बट मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ अब। सभी लोगों को ये सूचना हो जाए जी। मनोज जी, त्योहारों के मौसम में इतनी नाराजगी क्यों हो गई है? छठ त्योहार तो एक परंपरा के तौर पर श्रद्धाभाव से मनाई जाता है, लेकिन ये आदेश जो आया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक तरह से माना जाए। देखिए, हमारी एक तो पहले व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, पूरी लाखों लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जो छठ करते हैं, जिनकी छठ में आस्था है निधि जी, वो सभी नाराज ही नहीं है, वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। बहनें मिलती हैं, माताएं मिलती हैं, हमको पकड़ लेती हैं जो हम छठ यात्रा निकाले हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में छठ हो रही है। उत्तर प्रदेश में हो रही है, बिहार में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, गोवा में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, देश के हर हिस्से में छठ हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही इसको बैन किया गया, और DDA में जो भी है वो स्टेट का अधिकार है कि वो क्या प्रपोजल देती है। तो हर जगह के स्टेट ने तो इसको माना कि नहीं, छठ भी कोरोना गाइडलाइन में हो। अब दिल्ली सरकार ने इसको नहीं दिया, इससे हम सब नाराज शब्द नहीं, व्यथित हैं, बहुत ही हम तकलीफ में हैं निधि जी। जी मनोज जी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं उप मुख्यमंत्री, लेकिन इसमें सबसे ऊपर तो LG हैं, अगर वो कह देते तो ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, ये जो दलील दी जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, वो सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए। आपने देखा होगा आज ही उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि मुझे दिशा निर्देश दीजिए। क्या ये दिशा निर्देश बैन लगाने के पहले नहीं मांग सकते थे? क्या ये दिशा निर्देश पहले नहीं मांग सकते थे जब इतने लोगों की आस्था को चोट पहुंचा करके मांग रहे हैं? और हर स्टेट को ही निर्णय करना है कि कोई भी गैदरिंग वाला कार्यक्रम किस तरह से होगा, ये स्टेट का पूरा अधिकार है। और दिल्ली के LG उसके भले अध्यक्ष हैं, लेकिन आप जानती हैं कि दिल्ली में किस प्रकार से शासन कर रहे हैं। शराब के ठेके खोलने के लिए तो उन्होंने नहीं किसी से परमिशन मांगा, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए परमिशन देने के लिए तो नहीं मांगा। और छठ तो सोशल डिस्टेंसिंग का त्योहार है निधि जी, कभी आप बात करेंगे तो इसमें मैं लोगों को समझाऊंगा कि छठ में व्रती को दूसरे से टच भी नहीं होना होता है, उसका प्रसाद जूठा नहीं होना होता है, फिर भी और जल में नहाना भी नहीं होता है, सिर्फ खड़ा होना होता है थोड़ी देर के लिए। तो ये मुझे नहीं, पूरे दिल्ली के छठ व्रतियों को ये बहुत आघात लगा। मनोज जी, लेकिन जो आपकी व्यथा नाराजगी जो आप कहें, वो मुस्लिम तुष्टिकरण तक कैसे पहुंच गई जो आपने चिट्ठी में लिखा है? बात यहाँ ऐसे क्या मामला बढ़ा? कभी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, वो मैंने कहा है कट्टरता मुस्लिम तुष्टिकरण, मैंने एक साथ नहीं लिया, लेकिन जो कई ऐसे कट्टर कार्य होते हैं जिनको कि वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं, उसपे वो हवा देने का काम करते हैं। अब उसका एक बड़ा अर्थ है, और ये जो उनके ऊपर दोष है वो जग जाहिर है। जब भी आप देखिएगा, कभी अगर डॉक्टर को जो कोरोना में काल कवलित हुए, मृत हो गए, उनको सहायता देने की बात हो, तब भी आप दे सकती हैं तुष्टिकरण। इसके पहले जब उनके भी त्योहार होते हैं, हम तो कह रहे हैं कोरोना गाइडलाइन के साथ सबका त्योहार करो, हम मुस्लिम त्योहार करने के विरोधी नहीं है। हमने कहा कि उनके समय तो इनका कोई भी DDMA को प्रपोजल नहीं जाता। आप थोड़े दिन पहले बकरीद गई है, जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक थी, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर त्योहार मना रहे हैं तो मनाने दो, कोरोना से हम बचे हुए हैं, हमें गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लाइन कहनी पड़ी है निधि जी। अब आखिर में सवाल, क्योंकि आप रास्ते में अयोध्या जा रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आपने जो विरोध प्रदर्शन किया उसमें आपने दिल्ली में बीजेपी में एक तरह से नई जान फूंक दी है, जिंदा कर दिया, क्योंकि बीजेपी तो दिल्ली में गायब हो गई थी। नहीं, वो शायद भूल रहे हैं। देखिए, यही होता है ना, जिनको सत्ता का नशा हो जाता है उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। सातों सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी आज जिंदा हुई है, MCD में लगातार 3 बार से बीजेपी है, क्या बीजेपी अभी जिंदा हुई है? बीजेपी हमेशा एक समान भाव से सबको देखना चाहती है, इसीलिए हमने कहा है कि आप अरविंद केजरीवाल जी जिद छोड़िए और तुरंत एक प्रपोजल दीजिए DDMA को,
और छठ भी कोरोना गाइडलाइन के साथ करने का परमिशन दीजिए, इस पर इतनी राजनीति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए आप जुड़े, आप रुक कर जुड़े हमारे साथ एनडीटीवी से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी। तो बहरहाल ये मामला जो है, क्योंकि दिल्ली के स्थानीय चुनाव एमसीडी चुनाव करीब आ रहे हैं तो चुनावों से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रही है बीजेपी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की हार तय है, इसलिए बीजेपी जबरन इसे मुद्दा बना रही है। लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा शायद मिल जाए। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, पूरी तरह से लोग उनके खिलाफ है। पूरा दिल्ली जिस तरह से कूड़ा कूड़ा हुआ है पिछले 15 सालों में, जिस तरह से पहाड़ कूड़े का भाजपा ने दिया है, आज दिल्ली बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो उनको लगता है कि शायद इसी बहाने हम दोबारा अपनी राजनीति को चमका लें। दिल्ली की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का ये जवाब है बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर। बीजेपी छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने की मांग के साथ ही इस बारे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इसी मांग पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को घायल हो गए थे, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी और मंगलवार शाम को डिस्चार्ज होने के बाद बुधवार को अयोध्या की रामलीला में अंगद का रोल अदा करने के लिए चले गए। बुधवार को मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि उनकी सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। छठ पर्व पर भी रोक लगाकर आपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, क्योंकि छठ मात्र कुर्बानियों का ही त्योहार नहीं है बल्कि ये भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रकार से हिंदू विरोधी रुख अख्तियार करना आपको शोभा नहीं देता। दो बातें हैं, पहली, दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर को ही आदेश देकर सार्वजनिक रूप से छठ मनाने पर रोक लगा दी थी, तो अब क्यों वो केंद्र सरकार से इस बारे में दिशा निर्देश मांग रही है? और दूसरी, अगर बीजेपी चाहे तो उपराज्यपाल केवल एक आदेश देंगे और दिल्ली में इस बार छठ सार्वजनिक रूप से धूमधाम के साथ मनेगी, बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? दरअसल इन्हीं दोनों बातों में राजनीति है।